अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक्रेलिक पोरिंग के ऊपर बात करेंगे। और ये सबसे पहले मैंने ट्राई के लिए एक छोटे से कैनवास के ऊपर इसको ट्राई करना चाहा। सबसे पहले मैंने टाइटेनियम वाइट ऐड किया एज अ बेस के तौर पे कि जो शेड में डालूँ वो परफेक्ट ही आए उसके ऊपर जहाँ तक मैं चाहता हूँ। और इसके बाद मैंने ब्लैक, गोल्डन और ब्लू इन सब में मैंने सिलिकॉन ऑयल ऐड किया है, वो जो सामने बोतल पड़ी हुई है उसमें से। और जितने आपको ड्रॉप्स चाहिए हों इसमें, मतलब के जैसे आपने इसके ऊपर जितने बबल्स शो करवाने हों, आप उस हिसाब से हर कलर के अंदर अपनी उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह करना, उसके बाद इसका रिएक्शन चेक करते जाना। सारे कलर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के बाद इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट देते हैं, क्योंकि जब बंदा वीडियो बना रहा होता है ना, तब फिर वो उसको फिर काम की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, वीडियो बंदा रह ही जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि कलर जो है बहुत जल्दी वो इधर उधर फैल जाता है इसमें, क्योंकि डाइल्यूटेड होता है वाटर से, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है। इसके बाद मैंने थोड़े और शेड्स ऐड किए हैं ताकि और बबल्स शो हो सकें। इसमें थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद इसको किसी भी जुगाड़िया काम, क्योंकि भी ट्राई थी तो इतना ख़र्चा करना बनता नहीं है। तो वैसे तो मैं ये बहुत गंद वाला काम है, फजूल है, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे इसके। और इसके बाद जो है मैंने इसमें कैलीग्राफी ऐड करनी है। अभी तो है फ़िलहाल ये अभी प्रोसेस में है काम। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा और ब्लेंड किया इसको इसी तरह। आप क्योंकि ये छोटा मीडियम है, इसके लिए हम वो नहीं यूज़ कर सकते, क्या कहते हैं उसको, ब्लो ड्राई। तो अभी इसको इस तरह जो है मुंह से ही फूंक मार मार के मैंने इसको इस तरह टेढ़ा मेढ़ा किया। और इसके बाद इनके रिएक्शन चेक करना। और अभी जो है, क्योंकि मुझे गोल्डन ज़्यादा दिखाना था और ब्लू कम दिखाना था, तो इस वजह से मैंने ब्लू और ब्लैक को थोड़ा ज़्यादा किया। और इसमें आप देखते जाएं कि एंड पे रिजल्ट्स इसके कैसे निकलेंगे। और इसके बाद सेंटर में हम उसके कैलीग्राफी ऐड कर लेंगे और ये कैलीग्राफी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें हीट चाहिए होती है, क्योंकि जैसे ही ऑयल जो है ना उसको हीट मिलती है तो वो कलर्स को ना अंदर से उखार के निकालता है। तो इसलिए थोड़ा इसको हीट करना है, या अगर आपके पास हीट गन हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, और नहीं तो फिर ये जो गाड़िया काम लाइटर लें और शुरू हो जाए। और उसके बाद जो है ये देखें, ड्रैग भी डाल सकते हैं इस तरह, मतलब कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसकी, आप ड्रैग भी ऐड कर सकते हैं वाटर के साथ, मतलब कि कुछ भी। तो क्योंकि ट्राई करनी थी, ख़राब हो जाए तो क्या हो, कैनवास आपके हाथ में है, चीज़ें आपकी अपनी हैं और आपने बस उसको ट्राई करना है और नई नई चीज़ें इसमें ऐड करते जाना बस। और उसके बाद बाकी जो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझे, आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई आपका अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।